हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू भुजिया बनाना, तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू। हेलो गाइस, आज हम आलू की भुजिया बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू की भुजिया बनाना। हमने चार आलू लिए हैं और एक बाउल हमने बेसन लिया है और ये कुछ मसाले लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और चौथाई चम्मच हमने काली मिर्च और एक चम्मच हमने लाल मिर्ची और ये हमने चुटकी भर हींग लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कद्दूकस लिया है, आलू को कद्दूकस करूंगी। इसी प्रकार से मैं अपने चारों आलू को कद्दूकस कर लूंगी। ये हमारे आलू कद्दूकस हो चुके हैं, मैं इसमें ये बेसन डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें हींग डाल दूंगी। ये मसाले भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। आधा नींबू का रस लिया है, इसे भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर और चौथाई चम्मच मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। अब मैं इसका आटा गूंद कर तैयार कर लूंगी। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आलू हमारे थे जिससे आटा ये बेसन अच्छे से आलू के अंदर मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, चम्मच के आसपास मैंने ऑयल डाला है और इसे मैं अच्छे से आटा लगाकर तैयार कर लूंगी। और ये हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। इतना सॉफ्ट चाहिए जिस प्रकार से हम रोटी का आटा रखते हैं, आटा चाहिए था हमें। ये हमारा तैयार हो गया है बनके। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। मैं आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी, ऑयल गरम कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है, ऑयल को मैं गरम होने दूंगी। ये मैंने भुजिया में कर लिया है और इसे मैं खोल के ऑयल लगाऊंगी इस पे। ये हमने बारीक वाली भुजिया बनाएंगे हम, इसमें इसमें ऑयल लगा लूंगी। इसमें हमने ऑयल लगा दिया है, इस हम पे इस ढक्कन पे भी लगा देंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे जाली को। मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और जो ये हमारा आटा है इसमें से थोड़ा सा लेऊंगी और इस मेकर के अंदर डाल दूंगी मैं। अब मैं इसको बंद करूंगी। और मेकर बंद हो चुका है, हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। इसी प्रकार से मैं अपनी भुजिया बनाकर तैयार करूंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। भुजिया को एक प्लेट में निकाल लूंगी। इस प्रकार से मैं अपनी सारी भुजिया बनाकर तैयार कर लूंगी। ये भी हमारी भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, इसे भी मैं प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। हमने सारी भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे भी प्लेट में डाल दूंगी। ये हमारी भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, आप इसे ठंडा होने के बाद स्टोर करके भी रख सकते हो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।